हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार कैसे हो भाई? मस्त रहो, चिल रहो एकदम। तो आपको ना अपने जो मेरी चीनी ने जो पपीज दिए थे शिरजू के, तो उसके एक डिलीवरी की आपको वीडियो दिखाऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा और आपको पूरा शेड्यूल से दिखाता हूँ कि पपी किस तरीके से होते हैं और पपी किस तरीके से पैकेट के अंदर, थैली के अंदर पैकेट पैक होता है, पूरा अच्छे से दिखाऊंगा। और थैली के अंदर पानी कहाँ भरा हुआ होता है और आपको किन चीज़ों की गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, आप उसको इससे काफ़ी आइडिया मिलेगा कि जब भी आपके घर में पपीज होते हैं, छोटे क्विट क्विट से पपी, कैसे आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना है और किस वजह से आपके जो मदर के फीडिंग में इन्फेक्शन होता है वो क्यों होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलो आप वीडियो एंजॉय कीजिए लास्ट तक। तो ये है भाई अपना न्यू बॉर्न पपी और देख सकते हैं यार पपी में कैसे लेयर के अंदर पूरा पैक है और ये आगे देख रहे हैं यही पानी भरा हुआ होता है जो पपी के जो गले में नाक में जाके फंस जाता है जब भी थैली फटती है। तो हरदम ध्यान रखें। और जो पपी का जो होता है, पपी एक लेयर पपी के ऊपर होती है, फिर दूसरी लेयर उस लेयर के ऊपर होती है जिसके अंदर वो पानी भरा हुआ होता है। और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं जो गंदगी, ये गंदगी इस पपी के ऊपर चिपकी हुई है और बहुत से पपी के साथ ये पीछे नाल के साथ लग के निकलती है। तो यही जो गंदगी होती है, ये देख रहे हैं पपी को कैसे मैंने एक लेयर फाड़ दी है जिसके अंदर से पानी निकला है। अब मैं दूसरी लेयर फाड़ूंगा और ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, अलग सा फील आपको महसूस ना हो फिलहाल। तो देख रहे हैं मैंने सेकंड लेयर फाड़ दिया जिसके अंदर पपी पैक था पूरा। और मैं देखेंगे मैं कितने प्यार से इसको हटाऊंगा। अगर आपका भी पपी कभी इस तरीके से फंसा हो तो आप इस तरीके से इजीली उसको फाड़ के अच्छे से देख के अपने घर पे हुए पपी की आप डिलीवरी इजीली करा सकते हो। तो देखिए सारा जो गंदगी है ये लेफ्ट हैंड उसमें बाउल के अंदर है। अगर अकेले डिलीवरी करवा रहे हो पपी की तो इस तरीके से आप करवा सकते हो। देख रहे मैंने पपी अभी साइड में आ गया है, बाउल में मैंने इसकी गंदगी रख दी है और अब मैं बांध रहा हूँ इसको नाल, इसकी नाल बांध रहा हूँ अच्छे से। आप देख लीजिए मैं कैसे बांध रहा हूँ और इसी तरीके से आप देख के आप भी अपने घर पे पपी की डिलीवरी करवा सकते हैं आप अकेले हो तो। तो इस तरीके से आपको बांधना है और यही जो नाल होती है जो फीमेल खा लेती है जिसकी वजह से उसके मदर फीड में इन्फेक्शन हो जाता है। तो देख रहे हैं इस तरीके से आपको नाल काट देनी, अलग कर देनी और अच्छे से कपड़े से उसको नीट एंड क्लीन करना है, टिश्यू पेपर से, जो भी आपके पास साफ कपड़े हो या टिश्यू पेपर से आप नीट एंड क्लीन करो। तो इसी तरीके से आपको नीट एंड क्लीन कर लेना है अपने पप्पी को एकदम अच्छे से। आपको मैंने अच्छे से दिखाया और आपको बताना वीडियो कैसी लगी है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं डॉग या पपीज के बारे में तो वो भी आप पूछ सकते हो, वीडियो लास्ट तक देखते रहना। और लास्ट में मैं पप्पी को आराम से नीट एंड क्लीन करने के बाद लास्ट में आपको शहद चटाना है, एक उंगली पे लगा के हल्का सा शहद चटाना है ताकि वो थोड़ा सा पपोलता रहे और उसको थोड़ा सा पेट भर जाए। और जब आपके दो तीन पपीज हो जाते हैं उसके बाद अपने मदर में आप फीडिंग पे लगा सकते हो। हरदम ध्यान रख रहे हैं जो मैंने आपको गंदगी शुरू में दिखाई यही इसी को खाने की वजह से आपके जो मदर में फीडिंग में इन्फेक्शन होता है, हरदम उसी से इन्फेक्शन होता है। तो हरदम उस फीड को कभी उसे खाने ना दें। बहुत से लोगों को कंप्लेंट होता है हमारे पपीज जो जिनके पपीज 5-6 दिन में अपने ऑटोमेटिक मरने लगते हैं एक एक दिन में, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि आपकी फीमेल गंदगी खा लेती है जिसकी वजह से आपके पपी फीमेल के मिल्क में इन्फेक्शन हो जाता है और वो पपीज आपके 2-4 दिन बाद एक एक करके एक्सपायर अकड़ के मरने लग जाते हैं। अगर आपका पपी अकड़ के मर रहा है तो हरदम ध्यान रखें आपके फीमेल के मिल्क में इन्फेक्शन हो गया है। और आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अगर आपके फीमेल के मिल्क में इन्फेक्शन है? जब भी आप उसका निप्पल से अपने उंगलियों से दबा के दूध मिल्क निकालोगे तो वो आपकी उंगलियों पे रुक जाएगा, ठहर जाएगा एक जगह और उसे आप दोनों हाथों उंगलियों से दबाओगे मिल्क को तो वो आपके उंगलियों में चिपचिपा सा महसूस करेगा। इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके फीमेल के मिल्क में इन्फेक्शन है। तो मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। चलो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।